प्रथम पर्यायर बीजेडी को देखिले एवं जहाँ बीजेपी जो बीजेडी जो प्रार्थी तालिका देछि ये बीजेपी प्रार्थी तालिका को आपण जदि समकक्ष करिवे कोण परिवर्तन देखुछंती कोण हेवी देखुछंती भारतीय जनता पार्टी रे बीजू जनता दल रे देखंतु आजर जो 21 टी सीट कथा को हम नबा 21 टी सीट रे आपण तो दीटी कहले चेंज हिची बाकी 19 टी सीट 19 रु 16 टी नुवा मुह एवं आमी देखु जो पांच जन होचंती बीजेडी रो सीधा सरक आसी जॉइन करथवा जो एमएलए कैंडिडेट तेणु वर्तमान प्रत्येक जगार एपरी भाव से माने विचार विमर्श करिसेंती केंद्रीय कमिटी संसदीय कमिटी कहतु जेपी नड्डा कथा कहतु सेपरी भाव में विचार विमर्श कर फाइनाल कर गोटे देखते हेवी वेट प्रोफाइल देखुं जमीक आम मयूरभंज गोटे सीट देखा सारसकणा मयूरभंज सारसकणा डॉक्टर बुधान मुर्मू जी की उन्नीस निर्वाचन में जीति से एमएलए थी पांच वर्ष आसाई पर वर्तमान से विस्फोरक बयान देखते दल विरोध वर्तमान जदि दल मत एपरी भाव कैसे विश्वासघात करी दल विरोध में जीवि दल को मतलब जवाब देवा पड़ो कहीं मतलब टिकट देना से जगार विजु जनता दल भाद हंसता कथ को देखते वर्तमान प्रार्थी भाव से दि जाइए कारण जो प्रोफाइल जो ग्राउंड वर्क देखी पार्टी गोटे डिसीजन नहीं देखा दिल्ली प्राय कथ राउरकेला देखा आम रायरंगपुर कथ देखा रायरंगपुर जो थिले नवचरण माझी सी तो एमपी कैंडिडेट हवा द्वारा वर्तमान से नुआ मुह दि जाइए बीजेपी तरफ ठीक से हीपरी बांगरीकुशी कथा देखा बांगरीकुशी जो सुखदा मुर्मू झील जे कि संजली मुर्मू तांकु टिकट दि जाइए प्रत्येक जगार जो 2019 समीकरण रेशियो ऑफ वोट देखिकी सही हिसाब से प्रोफाइल चूज करा बीजेपी रो जो पार्टी आछंती किंतु जो माने पांच जन आम कहू बीजेडी रो आछंती एवं बीजेडी रो सीधा सडक जॉइन कला परे तांकु टिकट दिया जाइछि से जगह रे मध्य दल विचार विमर्श करिछि जे 24 निर्वाचन मैदान रे ए आम पाई लाभदायक हबो फॉर एग्जांपल आम जाजपुर देखिबा अमरेंद्र कथा देखिबा एवं जदि आम देखिबा अन्य टैक्सी सीट रे इंती अछंती जो पांच जन बीजेडी नेता सेमानकु सीधा सडक आसी असु टिकट मिलिछि एवं टिकट मिलिबा द्वारा सेमाने जितिबार जो आशा जनसाधारण विश्वास भाजन हबार जो आशा पांच वर्ष भितर विकास भावधारा भितर जोड़ी थे बीजेडी सहित किंतु वर्तमान से माने नरेंद्र मोदी केंद्रीय आधार जो विकास रही नहीं निर्वाचन रणांगण में ओल्लैबे और भोट भिक्षा करेंगे तेणु पार्टी डिसीजन वर्तमान आम देखा आउ 16 टी सीट बाकी अच्छी वर्तमान जो मैंने छाड़ी जो मैंने नाराज होती दल प्रति जो मैंने तृणमूल स्तर में काम करते टिकट पा ना असंतुष्ट गोष्ठी संख्या आम जो प्रथम पर्याय आलोचना करूँ आज ताठू कमी जाइए से गोटे भोट जो कैंडिडेट फाइनाल परे खुशी माहौल देखा जा पार्टी भितर गोटे खुशी आसी जे आम वर्तमान सीट को जितवा दरकार जनता सेवा करवा दरकार वर्तमान आउ गुंजरण कम देखा द्वितीय पर्यायर चिठा हिसाब से ओके मुझे मानस बाबू मुझे जानवापी चाहिए जो माने अन्य दलू आसी से कांग्रेस कथा कहा जो बिजु जनता दल रु अधिक आसी जो हिसाब से समरेन्द्र बाबू कहते जे सेकेंड पर्यायर पांच जन अन्य दल रु आसी नेता विधायक को मध्य टिकेट दि जाइए उदाहरण स्वरूप लक्ष्मीपुर आम कथ कह कैलास कुलेसिका बीजेडी थे जो टिकेट मिलला ना भारतीय जनता पार्टी पक्ष टिकेट दि जाइए आगामी दिन में कौन लगुच जो जो मैंने अन्य दल रु आसी जो जो मैंने आमदानी होकर आसी से जितेबाला दल टिकेट दि जाऊँगी आशाई पांच वर्ष है अपेक्षा करेंगे सीए गोटे बुमेरांग सब्यस्त हे ना तो बुझा सुझा ठीक ठाक हो तो कहीं आम देखीजे गोटे नेता पांच वर्ष परिश्रम कर टिकेट न मिले दल भितर गोटे प्रोटोकल देखू जो पांच वर्ष अनुगति प्रकाश करा से आशाई थी मो दल गोटे टिकट मत दबो सेवा करी जनता सेवाई निर्वाचित हे जिते कौन परिस्थिति रे जमी आम तो जान नौ बीजेडी रो असंतोष बढ़ो से बाहरी आसवे और सेने आसी बीजेपी में मिसे बीजेपी असंतुष्ट नेता बीजेडी में मिसे यही प्रक्रिया जमी गोटे निर्वाचन ऋतु जो कथा मानस बाबू कहते ऋतु आसिले बेंगोडिया प्रक्रिया चालू हुए ये प्रक्रिया बुझासुझा करवा तृणमूल नेता मान ऊपर स्तर गोटे प्रकार बुझासुझा करती मैनेज करती मैनेज करती ये निर्वाचन पर तुमको गोटे सन्तुष्टिकरण गोटे पदवी दबो तुम्हें वर्तमान नेता आम दल अच्छा दल कोर कमिटी भितर रहिबो दल को मैनेज कर कैंडिडेट जीवे किंतु जो मैंने बाहरी आसती बाहरी ना क्षणी ही से दल भितर विस्फोरक बयान दे था उदाहरण आजिकार देखु डॉक्टर बुढ़ान मुर्मू कथा जी की पांच वर्ष एमएलए थे जी की रनिंग एमएलए वर्तमान सुधा से दल विरोधी कार्यक्रम करें हटात जो टिकट डिक्लेयर है दिन बारटा पर बयान आसला दल विरोधी कार्यक्रम करने मु पछे भी ना गोटे निहाती सब दल भितर गोटे प्रोटोकल रहा कथा जो मैंने अनुगत्य प्रकाश करते दल सिक्रेसी दल कोर कमिटी बैठक में बसुते जन रनिंग एमएलए थे किंतु आज से दल
ପରିତ୍ୟକ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି ବା ଦଳ ତାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର ମଧ୍ୟ କରିନି, ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍କୁ ସେଠାରେ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି, ଭଲ ରିପୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି, ସେ ଜାଗାରେ ଯଦି ଦଳରେ ରହିକି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତେ ହୁଏତ ତାହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଶୁଭଙ୍କର ହେଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେଉଁମାନେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହଠାତ୍ ବାହାରିଲା ପରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ବୟାନ ବିସ୍ଫୋରକ ହୋଇଯାଏ, ସେ ଦଳ ପ୍ରତି ଆନୁଗତ୍ୟ ନଥାଏ, କୌଣସି ସମୀକରଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଭବିଷ୍ୟତର ଚିନ୍ତାଧାରା ନଥାଏ, ଦଳରେ ଟିକେଟ୍ ପାଇଲି ତ ଠିକ୍, ଟିକେଟ୍ ପାଇଲି ନାହିଁ ମାନେ ମୁଁ ସେଠାରୁ ତା ବିରୋଧରେ ମୋର ବିଶୋଦ୍ଗାର କରିବି। ତେଣୁ ଏ କଥାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଶୁଭଙ୍କର ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ, କାରଣ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଦଳ ହିଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏବଂ ଦଳ ଭିତରେ ନେତାର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ବା ନେତାର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଚରିତ୍ରିକ ଯୋଉ ମନୋଭାବ, ଜନସେବା କରିବା ପାଇଁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ନେତା ଯେତେବେଳେ ଆଜି ହଠାତ୍ ବଦଳି ଯାଉଛି, ଲୋକମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ କାଲି ସିଏ ଆମର ଥିଲା ଆଜି ସିଏ ଆମର ନୁହଁ, କାଲି ସେ ଦଳର ଥିଲା ଆଜି ସେ ଦଳର ନୁହଁ, ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ ସେମାନେ ଓହ୍ଲେଇ ଆସି କହୁଛନ୍ତି ତାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଛବି ସହିତ ଦଳର ପ୍ରତିଛବି ଖରାପ ହେବ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ଏହା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଓକେ ମାନସବାବୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିଲେ ସମୀକ୍ଷକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗରେ ରହିଛି।